महाराष्ट्र बीजेपी के विधायक नितेश राणे का दावा, 10 जून तक एनसीपी में शामिल होंगे संजय राउत। जितेंद्र अहवाड़ को बताया चाइनीज हिंदू। ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने मणिपुर सरकार से की अपील, कहा राज्य में फंसे मराठी छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, केंद्र सरकार को राज्य में हिंसा पर देना चाहिए ध्यान। मणिपुर हिंसा में फंसे महाराष्ट्र के 22 छात्रों को वापस लाएगी राज्य सरकार, विशेष विमान की कराई गई व्यवस्था, सीएम शिंदे ने मणिपुर में फंसे छात्रों से फोन पर की बात। मुंबई पुलिस ने बागेश्वर धाम सरकार को भेजा नोटिस, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और आयोजकों को दी चेतावनी, कहा बाबा कोई भी ऐसा बयान न दे जिससे कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाए। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दावे पर उद्धव गुट की नेता सुषमा अंधारी ने किया पलटवार, बोली देवेंद्र फडणवीस को 11 से 13 मई के बीच लगेगा झटका, फडणवीस के विरोध से पार्टी की छवि हुई खराब। अब सरकार गिराने के लिए इस्तीफा देने वाले विधायकों पर नहीं होगी कोई कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने दाखिल की थी याचिका। महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ रुपए के गबन मामले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, कांग्रेस नेता और ताजबाग ट्रस्ट के अध्यक्ष शेख हुसैन अब्दुल जब्बार गिरफ्तार, 10 मई तक ईओडब्ल्यू की हिरासत में रहेंगे जब्बार। महाराष्ट्र में जालसाजों ने बनाया आईपीएस अधिकारी का फर्जी फेसबुक अकाउंट, लोगों से संपर्क कर पैसे ठगने की कोशिश, आईपीएस अधिकारी की शिकायत पर मेटा को नोटिस भेजकर डिलीट किया गया फर्जी अकाउंट। विवादों से घिरी द केरला स्टोरी के सपोर्ट में उतरी शबाना आजमी, ट्वीट कर कहा सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से फिल्म पास हो जाने के बाद किसी को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बनने का अधिकार नहीं। शहनाज गिल संग अफेयर की खबरों पर राघव जुगाल ने तोड़ी चुप्पी, शहनाज गिल को लेकर बोले उसके लिए मुझे बुरा लगता है, किसी का भाई किसी की जान में साथ नजर आए राघव और शहनाज।